हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। एडी कोचिंग कैंपस के इस मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं एके यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। एक्सरसाइज 8.4 हम लोग कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री। इसका पार्ट 5 वीडियो ये है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, 9, 10 तक करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ज्यादा वीडियो लंबी ना हो सके, आपका काम भी आसानी से हो सके। इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपके यहाँ पे समझ आना चाहिए। खाली लिख लेने से काम नहीं चलने वाला है। शुरू करते हैं, बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट किया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन, साइन इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। क्या शुरू करेंगे इसका हम LHS, इसका LHS नोट करते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS में हमें वैल्यू गिवन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये दोनों रूट में है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका रूट में ही रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रूट के ही अंदर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये जो रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसी नंबर से ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान देना है, जो डिनोमिनेटर में साइन हो उसकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रूट के ऊपर रेशनलाइजेशन नहीं लिखना है, बात ध्यान देना, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। देन क्या करना है, अब देखो 1 प्लस साइन ए सेम नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए है। तो ये फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b वाले फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है फॉर्मूला, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, a माइनस b और a प्लस b अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसका हमको आंसर मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी का यूज हम यहां पे करेंगे। तो यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, a माइनस b a प्लस b, मल्टीप्लाई क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन आगे इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इस तरह से, तो आप देखोगे यहां पे कि ऊपर से करते हैं 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा। तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab, ओके, अपॉन में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस। एक मिनट, एक चीज मिस हो गया है दोस्तों, इसको नहीं करेंगे, यहां पे समझते हैं, यहां पे अगेन आते हैं समझते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक चीज हमने जो मिस कर दिया, लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि जब LHS सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि RHS में क्या वैल्यू है, उसी के हिसाब से अपना पाथ यानी कि आगे के सॉल्यूशन का वे हम क्लियर करते हैं। मैटर क्या है कि हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसका जो सॉल्यूशन का वे है इससे और ज्यादा शॉर्ट हो सकता है। कैसे, जब हम यहां पे देखते हैं तो ये होल स्क्वायर लगा है और इस नंबर पे रूट लगा है, यानी ये जो न्यूमरेटर का नंबर है वो नंबर स्क्वायर से, न्यूमरेटर का जो होल स्क्वायर, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक चीज हम ध्यान देंगे यहां पे कि हम जो रूट है वो अलग अलग कर दे रहे हैं, यानी न्यूमरेटर का रूट अलग, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है, लिख दिया, और फिर अपॉन में रूट यानी डिनोमिनेटर के अलग रूट। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, आप यहां पे देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 पे स्क्वायर लगाने की जरूरत है नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने स्क्वायर लगा था, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे लिख सकते हैं, आपको इजिली पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इधर है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो इस हिसाब से यहां पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे यहां पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो इसको हटा देते हैं। तो आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर है और रूट लगा है, तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो उसका रूट हटा देंगे
और साथ ही साथ स्क्वायर भी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास वन प्लस साइन है, और उसके साथ कॉस में भी स्क्वायर है और रूट भी है, तो स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कॉस ए। अब क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर में दो नंबर है, दोनों को उनके डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग कर देंगे, यानी वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इस तरह से। और वन अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, सेक है, साइन अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, टेन है, और हमारा आर एच एस यही दिया था जो हमने प्रूफ कर दिया, और ये आपको सॉल्यूशन मिल गया, यानी ये प्रूफ हो गया। सिंपल है, LHS उठाना है, रेशनलाइजेशन करना है, कैलकुलेट करना है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, देन उसके बाद आप अलग अलग डिनोमिनेटर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और आपको RHS की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, फिफ्थ का सिक्स, ध्यान देना, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवन है, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेवन, इसका LHS हमने नोट किया है, RHS में हमको tan थीटा ले आना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर की प्लेस में माइनस के इस तरफ भी साइन है, माइनस के इस तरफ भी साइन है, कॉमन ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर से हम कॉमन ले रहे हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे तो साइन थीटा था, तो साइन थीटा चला गया, वन बचा माइनस, यहाँ पे देखो साइन का क्यूब थीटा था और साथ में टू था, तो टू तो बचेगा ही बचेगा, साइन पे क्यूब था तो एक साइन बाहर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बच गया, अपॉन करोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर पे नोटिस करते हैं, यहाँ पे माइनस के इस तरफ भी कॉस है, इस तरफ भी कॉस है, बाहर करो कॉस को, एक कॉस तो आराम से बाहर आएगा, यहां से आप देखोगे तो टू बच रहा है, कॉस क्यूब था, यहाँ कॉस चला आया तो बचा आपके पास कॉस का स्क्वायर, माइनस है बीच में, माइनस पुट करोगे, कॉस थीटा पूरा का पूरा यहां से बाहर आ गया है, तो बचेगा वन आपके पास, ये इसका पहला स्टेप। अब क्या करेंगे आगे देखिए, अब क्या करना है हमको कि ये जो साइन थीटा है ऐसे ही लिखेंगे, ओके, और हम अपना वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी नहीं चेंज करेंगे, यानी न्यूमरेटर में अब कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करना है देखते चलिए, कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा है, समझ लो आप मेरी बात को, अगर 2x लिखा रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस एक्स लिख सकते हो ना, वैसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कह रहा हूं, लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, लिख सकते हो ना आराम से 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बगल में लिखा है माइनस वन, तो लिख दिया माइनस वन, ओके। देखो अब हमको यहां पे समझना क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है आगे, अगेन न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें फिर से प्रोसेस करेंगे, और क्या प्रोसेस करेंगे ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअली सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर रहा हूं, क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, वैसे ही ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे भी हम लिख सकते हैं, अच्छा पहले देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा पहले क्या है, प्लस है, तो पहले प्लस यूज करेंगे, अब इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, और क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगेन हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में माइनस वन लिखा है तो उसको माइनस वन ही लिखेंगे, ओके। अब देखो क्या है, फिर से वैसे ही न्यूमरेटर हमारा एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर है अब वहां पे कुछ और कैलकुलेशंस होंगी, क्या कैलकुलेशन होंगी ध्यान दीजिएगा, एक तो पहले नंबर जोड़ लेते हैं, वन प्लस वन टू, और टू में से वन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वन, और देखो साइन स्क्वायर थीटा यहां भी माइनस में है, यहां भी माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन माइनस लगा रहेगा, क्योंकि माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं लेकिन माइनस लगा रहता है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों वन वन टाइम्स है, ऐड होके हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर की प्लेस में ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर की प्लेस में भी यही ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो इनको डिवाइड कर देंगे और बचेगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा, और यही हमारा क्या है RHS है, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, LHS हमने नोट कर लिया है, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, RHS की वैल्यू ये है, LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर ले आना है।
देखिए सॉल्यूशन कैसे शुरू करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, और उसके साथ ही प्लस करेंगे अब ये ब्रैकेट भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो मिलेगी वैल्यू हमको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a into b, ठीक है ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस सॉरी ये साइन स्क्वायर है और ये हमारा कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को क्या करेंगे पहले एक साथ अरेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक जगह पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ठीक प्लस अब उसके साथ देखिए क्या क्या वैल्यू चेंज करते चलेंगे। अब लिखना है कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसी स्टेप में आपको समझाता हूं कॉसेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो माइनस कॉट स्क्वायर को उठा के इक्वल के राइट तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिलेगी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये जो कॉसेक इसकी जगह पर हम यहां पर लिख ले रहे हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ठीक है। अब वैसे ही अभी इसको बाद में लिखेंगे ठीक है, वैसे ही ये जो sec स्क्वायर है इसकी जगह पे हम लिख ले रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वायर, वही वाले फॉर्मूला से sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया। अब क्या बच रहा है, ये वैल्यू बच रही है इसको लिख लेते हैं टू साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए डिवाइड हो जाएगा ठीक है प्लस में, अब इसको लिखेंगे लास्ट वाली वैल्यू क्या है टू कॉस ए इंटू सेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, टू नहीं डिवाइड होगा टू बचा रहेगा, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड होगा। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के क्या हो जाता है वन हो जाता है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है, प्लस यहां पे वन लिखा ऑलरेडी लिख दिया प्लस ये वाला वन भी लिख लेते हैं इसी के साथ ठीक है लिख लिए प्लस, अब यहां पे देखिए अभी अभी इनको इनको अभी नहीं छोड़ेंगे ठीक है, यहां पे देखते हैं टू बचा है हमारे पास तो यहां से टू लिख लेते हैं क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो गया है सिर्फ टू बचा है, यहां पे भी सिर्फ टू बचा है क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो गया है प्लस यहां से बचा है कॉट और यहां से बचा है टेन ठीक है। अब देखो वन प्लस वन 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस उसके बाद बच रहा हमारे पास cot स्क्वायर है tan स्क्वायर है, ऐसा करते हैं जैसा आर जिस में लिखा है वैसे इसको अरेंज कर देते हैं 7 के बाद लिख लेते हैं tan स्क्वायर है फिर जो बचा है cot स्क्वायर a और यही हमारा क्या है RHS है और ये आपका क्या हो गया।